नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन से इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लोर ऑफ एन एलिवेटर ऑन द फुट ऑफ अ पर्सन स्टैंडिंग देयर इज मोर देन वेट ऑफ द पर्सन इफ द एलिवेटर इज हमारे ऑप्शन है गोइंग अप एंड स्लोइंग डाउन गोइंग अप एंड स्पीडिंग अप या फिर है आपका गोइंग डाउन एंड स्लोइंग डाउन या फिर गोइंग डाउन एंड स्पीडिंग अप नाउ स्नैरियो समझते हैं यहाँ पे स्नैरियो uh, ये है कि आपका uh, एक लिफ्ट है और आपका एक पर्सन यहाँ पे ऐसे स्टैंडिंग है और लेट्स से यहाँ पे हमने एक वेइंग मशीन रखी है ये बात अपने को पता है थ्योरी में हम इस पर बात कर चुके हैं कि वेइंग मशीन जो है वो आपका नॉर्मल नापता है ना अगर ये लिफ्ट ऊपर जा रही है ए एक्सलेशन से सो तो इस केस में आपका ए या जी इफेक्टिव जो आता है उसको हम लिखते हैं ए प्लस जी, आ, जी प्लस ए लिख लेते हैं इसको जी प्लस है तो ये सिनेरियो में अगर आपका एक्सेलेशन ऊपर है तो आपका इफेक्टिव जी जी प्लस से होएगा और आपका जो इफेक्टिव वेट है वो तो एम जी प्लस से आ जाएगा ठीक है सो उस केस में ये पॉसिबिलिटी है कि आपका वेट एक्चुअली जो रीडिंग आए वो अगर मान लीजिए मेरा वजन 70 किलो है मैं उसमें मशीन में देखूं वहाँ पे मुझे 75 फाइव या एटी दिखाई दे रहा है उसका पॉसिबिलिटी ये है कि आपका ए एक्सलेशन ऊपर की तरफ है ना अब चार ऑप्शन अगर हम देखेंगे सो पहले लिख लेते हैं ए बी सी डी राइट सो हम चारों ऑप्शन को जब एवेलुएट करेंगे सो गोइंग अप एंड स्लोइंग डाउन नाउ इस केस में गोइंग uh, अप जो है आपकी वेलोसिटी तो आप है लेकिन स्लोइंग डाउन है तो आपका एक्सलेशन नीचे की तरफ हो गया Hence दिस इज नॉट द राइट चॉइस बिकॉज हमें एक्सलेशन ऊपर की तरफ चाहिए वेलोसिटी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा सेकेंड ऑप्शन है गोइंग अप एंड स्पीडिंग अप तो इसका मतलब ये है कि ऊपर जा रही है और एक्सलेशन भी ऊपर है तभी आपका वेलासिटी uh, बढ़ेगी तीसरा है गोइंग डाउन एंड स्लोइंग डाउन इसका मतलब ये कि वेलोसिटी आपके नीचे है और एक्सेलेशन ऊपर होएगा तभी इस सिनेरियो में आपकी वेलोसिटी uh, की जो वैल्यू है uh, वो स्लोइंग डाउन होएगा चौथा ऑप्शन है गोइंग डाउन एंड स्पीडिंग अप तो आपकी वेलोसिटी नीचे की डायरेक्शन में स्पीड अप हो रहा है तो एक्सलेशन भी नीचे होएगा तो हैं ये वाला आपका ऑप्शन नहीं होएगा हैंड्स वी कैन से ऑप्शन बी एंड सी वुड बी द करेक्ट चॉइसिस फॉर दिस प्रॉब्लम